भेजा था तो इतना बस लेकर वेरी ग्लैमरस आपने कहा था ग्लैमरस मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं 15 साल की बेटी की मां नहीं हूँ मैं भी एक यंग लड़की हूँ मैं ये प्रूव कर रही हूँ कितना हमें धक्का लगा था आत्मा तक खिल गई थी आपने कहा था कि मैं ग्लैमरस नहीं लगती क्यों आपकी आत्मा क्यों हिली थी मेरी आत्मा हिलनी चाहिए नहीं मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं नेचुरली अपने आप नहीं हूँ ये इस चीज़ के लिए मुझे हमेशा दूसरे लोगों की मदद चाहिए होती है तो अब मैंने एक बहुत अच्छी सी स्टाइलिस्ट आयशा मर्चेंट और दिव्या सैनी को मैंने को अपने टीम में लिया है और हेयर और मेकअप लोग मेरे को हेल्प करते हैं ये इसमें मेरा कोई खुद का योगदान नहीं है या देखो अभी मेरे लिए फिलहाल सब कुछ कंपटीशन है ठीक है ना आई एम वेरी स्केयर्ड आई लव जंगल बुक अमेजिंग फिल्म थी आई थिंक अच्छा है कि अच्छी अच्छी फिल्में आती रहें क्योंकि उससे फिर स्टैंडर्ड बढ़ता है जब आप देख रहे होते हैं कि इतनी बेहतरीन फिल्में अच्छा कर रही होती हैं तो फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है एज एन इंडस्ट्री कि हम भी बेटर करें थैंक्स मुझे मेरी औकात बताने के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली सही बात है कि आई थिंक कि ऑडियंसेज बहुत बदल रही हैं और अच्छा है ये हमारे लिए आई थिंक नए नए किस्म की फिल्में नए किस्म की स्टोरीज वो देखने के लिए तैयार हैं टिकट देख के टिकट खरीद के देखने के लिए तैयार हैं जो ज्यादा जरूरी होता है हमेशा जी ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास बढ़िया कंटेंट है अच्छी फिल्म है जी। तो वो जो एनर्जी थी उस दिन इसीलिए थी कि मुझे पता था कि हमने क्या बनाया है तो वो आप सबको पता चलेगा कल परसों वो तो मुझे टास्क दे दिया था डायरेक्टर ने तो करना पड़ता है भाई मैं भी बड़ा डरा हुआ था उस दिन कि पता नहीं मैं क्योंकि स्क्रिप्टेड थी चीज़ें बट मैं स्क्रिप्ट भूल गया मतलब हटाओ यार हम थोड़े एक्साइटेड हैं थोड़े से नर्वस भी हैं कि यार पता नहीं लोग कैसे लेंगे बट समहाउ जो भी क्रिटिक्स देख रहे हैं या फिल्म से रिलेटेड फ्रेटर्निटी के लोग देख रहे हैं तो सब तारीफ कर रहे हैं We've come here to show everyone Neel Bhatte Sannata. I think it's a very sweet, simple story of a small child and a mother. I think a lot of people who are coming out are overwhelmed and they cried in a very beautiful song, Ma. So I'm hoping that we've come out with a small film. I'm hoping that it touches everybody's heart and aap log sab dekhiye ye picture jo aa rahi hai 22nd April. So I need all your wishes. कि हर पिक्चर चलनी चाहिए बड़ी या छोटी तो ये छोटी पिक्चर है कुछ आपको सिखाएगी यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट तो आप देखिए 22nd April ऋषिका काफ़ी सारी जो फिल्में हैं आजकल हॉलीवुड की भी आ रही है हॉलीवुड स्टूडियोज़ की भी आ रही हैं आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन हैज़ मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड्स लाइक विद द फिल्म्स कमिंग इन इंडिया वो दे हैव बीन बिफोर आल्सो बट नाउ स्पेशली लाइक जंगल बुक talking about Jungle Book is done brilliantly well I saw the film yes actually it's a very everybody loves entertainment so whether it's Hollywood or Bollywood Jungle Book is doing very well but our films also are doing very well so there's place for all the films Bollywood ya Hollywood dono ke liye jagah hai because we like to see all different kind of genres so there's no harm मैथ्स में मैं अच्छी थी इसलिए प्रोडक्शन संभाल रही हूँ और कहीं ना कहीं कमी है जो मैं अभी कार्ड दिखाया डिप्लोमेटिक मुझे आता नहीं तो आप लोग अगर मुझे नहीं सिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच एंजॉयड इट्स अ वेरी लिटिल इंपॉर्टेंट फिल्म टू बी मेड एंड आई हैव बी एंजॉयड इट सो मेनी पीपल बी फील हु जस्ट डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी और डोंट हैव द दे फील दे डोंट इस पे एक लाइन है ना जो सपने ना देखना दैट्स काइंड ऑफ द फीलिंग ऑफ द मूवी सो आई रियली फील इट्स वेरी एम्पावरिंग काइंड ऑफ फिल्म फ्रॉम हॉलीवुड यस यस Well, for a long time we have kind of been managing to fight them off, but I think now with Jungle Book and all that, yeah, of course, yeah, it's good actually, because they're dubbing up their movies and so on. So I think it's you have to be careful and be ready with good stories. जी एब्सोल्युटली जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था आई ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट बिकॉज इट लुक्स सो यूनिक एंड लवली एंड आई थिंक स्वरा एज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड जो सब्जेक्ट है हम सब ने बचपन में मैथ हम कम से कम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड
जी बहुत ही ख़राब थी. मैथ्स और फिज़िक्स दो सब्जेक्ट थे जो मुझे कभी समझ नहीं आए और मैं हमेशा मतलब पास हो जाती थी, कभी नहीं भी होती थी. तो मेरा तो पूरा नील बट्टे सन्नाटा था मैथ्स में. हाँ वेल टू, इतना ख़राब नहीं है. आई मीन इट डिपेंड्स आई गेस. यस बिकॉज यू इंडिविजुअली नो व्हाट यू आर एंडोर्सिंग राइट. सो डेफिनेटली विस्तार में बताइए सर मुझे. कोई जब मैं कोई कर लूँगी चीज़ एंडोर्स तब मैं उसके बारे में बात करूँगी. आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस. आप मुझे अपने चक्रों में फंसा रहे. नो डेफिनेटली यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. यू नीड टू टेक नॉट ओनली एंडोर्समेंट्स. आई फील यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर वर्क यू डू जनरली इन लाइफ. बिकॉज पीपल लुक अप टू यू. दे यू हैव अ बिग इम्पैक्ट लोगों की जिंदगियों पे. एज एक्टर्स आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. सो आई डेफिनेटली फील आप जो भी करें, एंडोर्समेंट हो, फिल्म हो, म्यूजिक वीडियो हो, जो भी हो, आपकी एक हल्की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है. बट बाय द एंड ऑफ इट्स योर पर्सनल चॉइस. Shooting for the Wedding Vow magazine, so we upload a video, me dancing on the stress, right? So, and I don't know where this news coming from, and I don't know why people are so concerned about me getting married. Right now, I'm just like really busy with my work, with my Chinese movie, and you know a lot of other stuff that I'm doing in India. So there's no time for marriage. Yeah. No truth. Nope. There is no truth. It's all fake. And we heard about your holidays also. You were yes, I was on holiday. I was in Japan with my family. And yes, I was in Japan with my family, but there is no news of me getting married. Yes. Looking forward for the movie tonight? Oh yes, of course. I heard so many amazing things and I love the trailer. I can't wait to watch it. Yeah. How much are you excited for it? A lot. Because what happened, it's a very new concept. I haven't seen something like this for the longest time. So I'm really looking forward and good luck, Iras. Yeah. Now before you leave, yes. What more we can expect from you? Probably there's going to be another TV show. I can't tell you what is it, you laughing. But Haanji? Raindrop ne mana kiya hai. Kyun? Raindrop to mere saath. अब आप लोग का दुश्मनी क्या है मेरे साथ? Yeah, they don't like me, you know. These raindrop people, they don't like me a little bit. Yeah, they trouble me a lot. आज प्रोजेक्ट क्या है आपका? I think another TV show I'm gonna do very soon and probably a movie very soon as well. Yeah, thank you. वही बहुत कम फिल्में बनती हैं ना हमारे यहाँ जो थोड़ा टच करती हैं. तो वो वाली है और बहुत ज़रूरी फिल्म है, इम्पोर्टेंट फिल्म जिसे आप बोलेंगे. इम्पैक्टफुल रहेगी. बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी. मतलब इसके बाद आप देखिए मेरी हालत देखिए, आपको समझ में आएगा. पसीने वसीने छुड़ा दे रही है ये फिल्म. रईस लग रहे हैं. होपफुली ऐसे ही रईस लग जाऊँ तो अच्छी बात है. क्या है रईस का, क्या मतलब क्या है, कब रिलीज हो रही है, कब आप आ रहे हैं? देखिए वो डेट का तो जो है अभी डिसाइड हो रहा है. जैसे ही पता लगेगा तो बिल्कुल आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा. दंगल के साथ नहीं होगी? नहीं, इतना लेट नहीं करेगा. नहीं. अच्छा, दूसरा सुल्तान के साथ? सुल्तान के साथ मुझे पता नहीं है कि कौन सी फिल्म कब आ रही है. आई थिंक ये उन लोगों का ही मैटर है, उन लोगों पर छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है. जी वो उनका बड़प्पन बोलूँ या जो भी बोलूँ अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत बड़े स्टार तारीफ करते हैं. क्या कहा? नहीं, अंग्रेजी का लब्बा लबाव ये था कि उनको मेरा काम पसंद आता है और उनको मैं एज एन एक्टर अच्छा लगता हूँ. तो लब्बा लबाव ये था. हाँ, मेरे तकरीबन सारे ही सीन उनके साथ हैं. और मतलब उनके साथ आई थिंक आपने किसी से भी पूछा होगा तो उसने यही बोला होगा कि एक मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है उनके साथ काम करने का. एक ऑलमोस्ट सररियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको एकदम रियलाइज़ होता है कि यार आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं अभी यही आदमी बाजीगर और DDLJ वाला आदमी है जो आपके साथ बैठा है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आई थिंक ऑनेस्टी है. मतलब अभी भी वो इस जगह पहुँच के भी जितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और थकता नहीं वो आदमी, मतलब पता नहीं क्या खाते हैं, इतनी एनर्जी है. तो उनको देख के हमें शर्म आती थी कि यार हमें रात के अगर 1:30 बज रहा है तो हमें लगता था यार थोड़ा थकान हो रही है. उनको देख के एकदम एनर्जी आती थी और आदमी कूद पड़ता था. तो मेन चीज़ यही है. सनी लियोनी भी है? नहीं, फिल्म में तो नहीं है. कहाँ आप हैं उस गाने वाले में? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ. पर हुआ है ना ये सब कुछ? हाँ, मैंने भी सुना है. मैं मेरे सामने नहीं हुआ है.
यार फिल्म देखिए बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बनी हुई फिल्म है, पर ये बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं मसाला अगर आप बोलना चाह रहे हैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाती है, बहुत सीरियस तरीके की एंटरटेनिंग पर बहुत सीरियस और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करती हुई फिल्म, तो शूट करने में बहुत मज़ा आया है और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, मतलब इट्स नॉट इसको क्या कहेंगे अब हम लोग ग्लॉसी बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली फिल्म नहीं है, बहुत रियल फिल्म है, बहुत इंसानों की बात हो रही है, आपको ऐसा महसूस होगा।